आज हम बनाने जा रहे हैं बिना बेसन के कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने एक बड़ी कटोरी चने की दाल को 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। अब मैं इसको मिक्सर जार में ग्राइंड करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि अच्छे से पिस सके। हमें इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। आप इसको बीच में चेक करते रहें। हमारी दाल पिस कर रेडी हो चुकी है। मैं इसको एक बाउल में खिला लेती हूँ। अब हम चलते हैं कढ़ी बनाने के लिए। अब मैंने कढ़ी बनाने के लिए 1.5 लीटर के करीब छाछ लिए। अब मैंने जो बैटर बनाया था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इसमें से कुछ बैटर हम बचा के रख लेंगे पकौड़ों के लिए। अब मैं इसमें 3 चम्मच के करीब हल्दी डालूंगी। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मैं इसको साइड में रख के पकौड़ों के लिए बैटर तैयार करूंगी। तो मैंने उसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी डाली, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आपका बैटर पतला हो जाए तो आप इसमें गेहूं का आटा या थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हो। और इसमें थोड़ा सा मैं सोडा डालूंगी और 1 चम्मच के करीब दही। अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसकी पकौड़ी उतारूंगी। कढ़ी के लिए हमारी पकौड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं कढ़ाई में 1 चम्मच जीरा डालूँगी और 1 चम्मच मेथी डालूँगी। जीरा और मेथी भुनने के बाद जो मैंने छाछ का और चने की दाल का घोल बनाया था वो इसमें डालूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। अब हम कढ़ी को चमचे की सहायता से तब तक चलाएंगे जब तक हमारी कढ़ी में उबाल ना जाए। अब हमारी कढ़ी उबलने लगी है तो मैं इसमें 5 से 6 हरी मिर्ची ली हैं। इनको बीच में से कट करके कढ़ी में डालूँगी। आप चाहें तो जब आप कढ़ी में तड़का लगाएं तब भी डाल सकते हैं। मिर्च डालने के बाद इसमें हमें एक उबाल और लगाना है। अभी अब मैंने जो पकौड़ी बनाई थी वो इसमें ऐड करूंगी। मैं इसमें लाल मिर्च पीछे ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले बच्चों के लिए अलग निकाली थी बिना मिर्च की। अगर आप पीछे लाल मिर्च ऐड करें तो आप लाल मिर्च को पानी में घोल कर ही ऐड करें इसमें। अब हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। मैं इसके लिए एक तड़का तैयार करूंगी। तो मैंने चमचे में सरसों का तेल गरम कर लिया है। अब मैं उसमें 1 चम्मच हींग, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च। अब मैं इसको कढ़ी में ऐड करूंगी। अब हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। एक बार आप भी इस तरह से कढ़ी बना कर देखिए, बहुत अच्छी लगती है।